हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शी कुक्स हेल्दी। और आज मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर पे स्प्राउट्स किस तरह से बना सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस और मैंने प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ सब चीज़ें मेंशन की है। कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं प्रॉपर स्प्राउट्स को बनाने के लिए। तो आइए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स डे वन और मैंने शाम को 4 बजे 1 कप दाल को एक बाउल में डाला और उसमें 2 कप पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया। ये जो वॉशिंग प्रोसेस है वो आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करके दाल को अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए, दाल जो है वो अच्छे से वॉश हो गई है और अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी और उसको सो करके रख दूंगी तकरीबन 14 से 16 घंटे के लिए। अब क्योंकि मैं एक ऐसे जगह पे रहती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है इस वक्त, तो इसीलिए मैं इसको कम से कम 14 से 16 घंटे के लिए रख रही हूँ। और मैंने इसको ओवन में रखा था विच जनरली स्टेज क्लोज्ड और उसमें वार्म रहता है। तो अगर आप एक वार्म कंट्री में हैं तो 12 घंटे जो हैं वो स्प्राउट्स के प्रोसेस में इनफ होते हैं। सो नेक्स्ट डे एट 8 AM मैंने जो दाल है वो सोक्ड वाली अपनी ली। ये देखिए, दाल जो है वो फूली हुई है अच्छे से और इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी होगा वो हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ टेक अ कोलेंडर, जिसको हम छननी भी बोलते हैं, और उसके अंदर हम अपनी सारी दाल को रिंस कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा और पानी होगा वो सारा इसमें से निकल जाना चाहिए। एक बार फिर से मैं पानी चला के दाल को अच्छे से वॉश कर रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी होगा वो, क्योंकि ये कोलेंडर है तो इसमें से सारा वो निकल ही जाएगा। सो मेरी दाल जो है ये देखिए अच्छे से वॉश हो गई है और आप इसको स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से अपने वेसल के अंदर। नाउ आई एम टेकिंग अ हैंडकरचीफ, कोई भी मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं और उसको आप अच्छे से भिगो लीजिए और जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्क्वीज़ कर दीजिएगा, लेकिन वो जो रुमाल है वो आपका अच्छे से भीगा होना चाहिए। इट्स 8:15 इन द मॉर्निंग और जो भीगा हुआ कपड़ा था उससे आप दाल को ढक दीजिए। आपको इस तरह से ढकना है कि जो भी दाल है आपकी वो इस कपड़े को अच्छे से टच करनी चाहिए। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 14 से 16 घंटे के लिए फिर से, लेकिन अगर आप एक वार्म कंट्री में हैं तो 12 आवर्स आर इनफ। ये देखिए, स्प्राउट्स जो हैं वो कितने अच्छे से हमारे बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर से जो ये रुमाल है उसको हम भिगा लेंगे और स्प्राउट्स को फिर से हम कवर कर देंगे। और आपको इस तरह से कवर करना है कि स्प्राउट्स जो हैं वो उस गीले रुमाल पे टच हों। तो उसके पहले आप अच्छे से उसको स्प्रेड कर लीजिए अपने वेसल के अंदर और फिर उसको ढक दीजिए। रात के बजे है 10:10 और मैंने इसको रख दिया है। अब क्योंकि हमारे स्प्राउट्स जो हैं वो ग्रोइंग स्टेज में हैं तो हम इसको थोड़ी हाइट में रखेंगे। तो देखिए, मैंने ये कांच का कंटेनर लिया है, उसके ऊपर अपना स्प्राउट्स का कोलेंडर रख के उसको मैं अपने ओवन के अंदर रखूंगी तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए। अगले दिन की दोपहर 12 बजे मैंने अपना कोलेंडर निकाला बाहर और ये देखिए, स्प्राउट्स किस तरह से ग्रो हुए हैं, वो बाहर आना शुरू हो गए कोलेंडर से। दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ कोलेंडर फॉर द स्प्राउट्स, ताकि उनको जगह मिले ग्रो होने के लिए। तो देखते हैं हमारे स्प्राउट्स बन गए हैं या नहीं। ये देखिए, हमारे स्प्राउट्स जो हैं वो कितने ही सुंदर तरीके से ग्रो हो गए हैं, कितने अच्छे बन गए हैं। वैसे तो लोग यहाँ पे भी स्प्राउट्स को कंज्यूम कर लेते हैं और आप भी कर सकते हैं, कोई भी रेसिपी बना सकते हैं आप यहाँ पे स्प्राउट से, लेकिन मैं चाहती हूँ ये थोड़ा और ग्रो हो जाएं। इसलिए मैं कपड़े को फिर से गीला कर रही हूँ और स्प्राउट्स को कवर कर रही हूँ उसके साथ, और मैं सिर्फ 8 से 10 घंटे के लिए ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी, लेकिन ओवन के अंदर रखेंगे। और दिन में भी अगर आपको लगेगा कि जो कपड़ा है वो आपका सूख रहा है तो आप स्प्रे करते रहिए, बट कीप द क्लोथ वेट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। एंड नाउ इट्स डे 3, रात के बजे हैं 10 और ये हमारे जो स्प्राउट्स हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हैं। और देखिए कितना ईजी है स्प्राउट्स को बनाना, लेकिन जो दाल की क्वालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्प्राउट्स इतने इस लेवल के नहीं बने हैं तो आप उसको एक बार फिर से गीला कपड़ा रख के उसको ढककर कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही ओवन में रख सकते हैं, तो आपके स्प्राउट ज़रूर बन जाएंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जो है वो हमारा गट हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करता है and it also helps to improve the digestion of both carbs and protein. Using these sprouts, I have made sprouts chaat and also I have made sprouts pulao.
and I'm gonna share those recipes soon on my YouTube channel. So do subscribe to my channel for upcoming Sprouts recipes and do like this video. Thanks for watching.